तो दोस्तों, रणबीर अलाहाबादिया का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा और इनके वीडियोस तो आपने ज़रूर ही देखा होगा, और शायद इनके चैनल पे नहीं देखा होगा लेकिन बहुत सारे अदर यूट्यूबर हैं जो इनके लॉन्ग वीडियो के क्लिप निकाल के शॉर्ट्स वीडियो में यूज करते हैं। यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये जो यूट्यूबर है काफ़ी बड़ा यूट्यूबर है और इनके काफ़ी सारे चैनल भी यूट्यूब पे मिल जाएंगे और उन चैनल पे आपको मिलियंस में सब्सक्राइबर भी मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आपको बता दें कि इनके जो सबसे बड़े दो यूट्यूब चैनल है जिसपे एक 10 मिलियन के लगभग सब्सक्राइबर होने वाले थे और एक पे 8 मिलियन के लगभग सब्सक्राइबर होने वाले थे। और यहाँ पे सबसे शॉकिंग न्यूज़ जो है, ये दोनों चैनल हैक हो चुके हैं। रणबीर अलाहाबादिया का ये जो दोनों चैनल है, रणबीर अलाहाबादिया और बियर बाइसेप के नाम से ये दो चैनल थे, वो दोनों के दोनों हैक हो चुके हैं और उन चैनल पे 2000 के लगभग वीडियोस थे, वो सब के सब भाई डिलीट हो चुके हैं। ये नहीं पता कि वो सारे चैनल डिलीट हो गए हैं या फिर अनलिस्ट में या फिर प्राइवेट में रखे हुए, लेकिन उनके चैनल पे वीडियो शो नहीं हो रहा है। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो बियर बाइसेप के नाम से उनका चैनल था, वो नाम हटा के टेस्ला के नाम से वो चैनल बना दिया गया है। और भाई, ये न्यूज सुन के तो मैं पर्सनली काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया भाई। इतने बड़े बड़े यूट्यूबरों का जो चैनल हैक्ड हो सकता है, तो ऐसे छोटे मोटे यूट्यूबरों का तो भाई गिनती नहीं है। तो दोस्तों, जहां तक मुझे लगता है कि इनका यूट्यूब चैनल वापस आ जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में काफी फेमस बंदा है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इनके पास भी काफी सारे ऐसे सोर्सेस होंगे, काफी सारे ऐसे आइडियाज होंगे कि अपने यूट्यूब चैनल को वापस कैसे लेकर आए। और आई होप ये यूट्यूब चैनल उनका वापस आ जाए। काफी अच्छे अच्छे पॉडकास्ट वीडियो आते थे और मैं भी उनका वीडियो काफी सारे देखता हूँ, लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं बता दूं कि इनका अभी के लिए इनका यूट्यूब चैनल हैक हो चुका है। और काफी सारे ऐसे भी यूट्यूबर है जो इनसे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल थे, वो भी हैक हो चुके हैं। उनसे काफी YouTube चैनल है, उनकी भी चैनल हैक हो चुके हैं। तो YouTube पे आजकल ऐसे न्यूज आते रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब YouTube पे एक कैरियर अपना सेट कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि अब YouTube सेफ है, तो आपको कोई अदर काम भी करना ही चाहिए और YouTube पे काम करो, काफी अच्छी बात है, लेकिन एक अदर ऑप्शन भी आप रखो जहां से आप एक अच्छा खासा पैसा जनरेट कर रहे हो। और मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा सिक्योरिटी अपना लेवल बढ़ा दो। जिस ईमेल आईडी से अपना YouTube चैनल आपने क्रिएट किया है, वो ईमेल आईडी किसी के साथ शेयर मत करो। 2-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लो और क्या ही कर सकते हो। और दोस्तों, ये न्यूज़ सच में काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है, जो कि उनका चैनल हैक हो गया है। और आई होप कि उनका चैनल वापस आ जाए, वापस आ जाएगा तो काफ़ी अच्छी बात है। और तो दोस्तों, चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।